हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम MySQL से डेटा को कैसे फेच करेंगे। ओके, MySQL से डेटा को आप पाइथन इंटरफेस के अंदर कैसे फेच करेंगे, इसके लिए हम तीन मेथड्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, फेच ऑल, फेच मैनी एंड फेच वन। राइट, तो ये मेथड्स कैसे यूज़ होंगे, इनका क्या पर्टिकुलर फंक्शन है, इसको हम करेंगे वन बाय वन। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ फेच ऑल मेथड। राइट, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है यूज़ ऑफ फेच ऑल मेथड। ओके, राइट। अच्छा, फेच ऑल क्या करता है? फेच ऑल मेथड या फेच ऑल फंक्शन क्या करता है? इट विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल। राइट, आप क्या करते हो, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो। ओके, और वो क्वेरी का रिजल्ट सेट, जो भी डेटा होता है उसे हम रिजल्ट सेट कहते हैं। वो कहाँ जाके स्टोर होता है? वो कर्सर में जाके स्टोर होता है। राइट, अब कर्सर से आप डेटा को फेच करोगे किस फॉर्म में? ऑल द रोज एट वन टाइम। जब एक साथ आप सारी रोज को फेच करोगे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम फेच ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ भी लिख देती हूँ कमेंट के अंदर ही, फेच ऑल फंक्शन। ओके, फंक्शन विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम। अब आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको MySQL कनेक्टर को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। राइट, आप इसका alias नेम भी ले सकते हो, अभी मैंने नहीं लिया है। राइट, अब देखो, आपने MySQL कनेक्टर पैकेज को इम्पोर्ट कर लिया है। राइट, इसकी रिक्वायरमेंट है आपको, क्यों इसके बिना कनेक्टिविटी नहीं होगी। राइट, क्योंकि MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज ही आपको वो फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से आप MySQL के साथ क्या कर सकते हो, कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है कहाँ पर, MySQL एंड पाइथन के बीच में। राइट, उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया माइकॉन। ओके, MySQL डॉट कनेक्टर, ये मेरा पैकेज है MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। तो MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, पाइथन को कनेक्ट करेंगे MySQL से। राइट, तो कनेक्ट फंक्शन में आप क्या पास करोगे, इसके अंदर आप पास करोगे फोर पैरामीटर्स। पहला मेरा है होस्ट, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन द लोकल होस्ट। राइट, अभी हम क्या है, लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे कनेक्टेड नहीं है। फाइन, आप मतलब इंटरनेट पर आपका जो सिस्टम है, राइट, आप ये एप्लीकेशन इंटरनेट पे रन नहीं कर रहे हैं, आप अपना लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। फाइन, देन वी हैव द यूज़र। यूज़र में आप लिखोगे रूट। तो ये यूज़र नेम आपने कब दिया था, जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया था। राइट, देन वी हैव द पासवर्ड। इसमें आप क्या दोगे, अपना MySQL का पासवर्ड दोगे। मेरा है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आपका डेटाबेस। डेटाबेस मींस MySQL के किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ MyDB, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो अब देखो, ये जो कनेक्ट फंक्शन है, राइट, ये क्या करेगा, ये कनेक्शन क्रिएट करेगा पाइथन और MySQL के बीच में। और ये कनेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये कनेक्शन स्टोर होगा MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो MyCon जो मेरा वेरिएबल है, ये क्या है, मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। अब ये मेरा क्या बन गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। और ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कनेक्शन को बिटवीन MySQL एंड पाइथन। राइट, तो यहाँ पे MyCon क्या बन चुका है, मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। राइट, अब अगर आपको देखना है कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ इस अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो MyCon क्या है, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, डॉट इज
अंडरस्कोर कनेक्टेड। अगर देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, तो इसका मतलब आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो डैट मीन्स कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अगर हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, अगर माइकॉन डॉट इस कनेक्टेड फंक्शन की वैल्यू फॉल्स के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो जाए हमारा एरर कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, अगर कनेक्शन नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। राइट, अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो क्या है, आपको कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट को आप कैसे क्रिएट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे कर्सर ही ले लिया है। कर्सर ऑब्जेक्ट किस लिए आप क्रिएट कर रहे हो, कर्सर ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, जो भी डेटा आप क्वेरी के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है, जो भी डेटा आप MySQL से एक्सेस करोगे उसको स्टोर करता है। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट दे दिया माइकॉन। माइकॉन क्या है, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन से आपका क्या क्रिएट होगा, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर कर्सर दे दिया है। राइट, अब हम क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, CURSOR कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करोगे और इसमें अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब स्टूडेंट टेबल मेरे किस डेटाबेस में है, MyDB डेटाबेस में है। ओके, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और इसका जो डेटा है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वो कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। फाइन, इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्सर ऑब्जेक्ट से डेटा को फेच करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेटा। ओके, नाउ कर्सर डॉट फैच ऑल। ओके, अब फैच ऑल लिया है तो फैच ऑल आपका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, ओके, ये क्या करेगा, जितना भी रिकॉर्ड है रिजल्ट सेट में उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, कर्सर के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है, फैच ऑल क्या करेगा, उसे एक साथ एक्सेस करेगा और उसे डेटा वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं काउंट। ओके, और यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं रो काउंट। ठीक है, अब कर्सर डॉट रो काउंट क्या है, इट विल टेल यू हाउ मेनी रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय एसक्यूएल क्वेरी इन द रिजल्ट सेट। मतलब ये बताएगा कि कर्सर डॉट रो काउंट से आपको पता चलेगा कि जो आपने क्वेरी जो एग्जीक्यूट की थी, ओके, फाइन, उससे जो कितने रिकॉर्ड्स एक्सेस हुए कर्सर के अंदर। राइट, आपको पता है जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसका रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर होता है, कर्सर के अंदर। तो कर्सर डॉट रो काउंट से आपको पता चल जाएगा कि कितनी रोज कर्सर के अंदर जाके स्टोर हुई हैं। राइट, कर्सर ने कितनी रोज को एक्सेस किया है क्वेरी एग्जीक्यूट होने पे। फाइन, और उसको हमने कहाँ स्टोर करवा दिया, हमने उसको काउंट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करवा दिया। फाइन, ओके, अब नेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट। राइट, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी रिट्राइव किए हैं, कितनी एक्सेस हुई हैं, वो हम यहाँ पे हमें किससे मिल जाएगी, काउंट वेरिएबल से मिल जाएगी। फाइन, ओके, देखो कर्सर डॉट फैच ऑल फंक्शन ने क्या किया, कर्सर का डेटा एक्सेस किया और उसे डेटा वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, कर्सर डॉट रो काउंट से हमें ये पता चला कि कितनी रोज हैं, कितनी रोज प्रेजेंट है कर्सर के अंदर, और उसको हमने कहाँ पे स्टोर करा दिया, काउंट में।
ठीक है, नंबर ऑफ रोज को। अब यहाँ पे आपने काउंट वेरिएबल को प्रिंट करा दिया और हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी एक्सेस हुई है रिजल्ट सेट से। ठीक है, रिजल्ट सेट क्या है, टोटल जो आपका डेटा एक्सेस हुआ है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, रो वाइज प्रिंट कराएंगे। तो रो वाइज प्रिंट कराने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर रो इन डेटा। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कर्सर नहीं लेके हम क्या ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, क्योंकि हमने फैच ऑल से पूरा डेटा एक्सेस, फैच ऑल फंक्शन से पूरा कर्सर का डेटा एक्सेस करा के डेटा वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम डेटा वेरिएबल से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, रोज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे प्रिंट रो। अब देखो लूप चलेगा तो क्या होगा, पहले फर्स्ट रो आएगी डेटा की, ओके, फिर सेकंड राउंड में सेकंड रो आएगी, थर्ड राउंड में थर्ड रो आएगी, ऐसे ही क्या करेगा, रो वाइज डेटा को एक्सेस करता रहेगा। ओके, लास्ट आपको क्या करना है, अपना कनेक्शन क्लोज करना है MySQL के साथ, मतलब पाइथन का कनेक्शन आप क्लोज कर दोगे। ओके, तो अब इसको हम रन करते हैं। देखो ये हमारा आ गया है रिजल्ट, एक साथ इसने पूरा डेटा शो कर दिया है, फाइन। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ, माई डी बी डेटाबेस, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे शो डेटा बेसिस। तो यहाँ पे आपका माई डी बी है, ठीक है, मैंने लिख दिया यूज माई डी बी, फाइन। अब इसके हम टेबल देख लेते हैं, शो टेबल्स, इसमें एक ही टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, देखो इसमें फोर रिकॉर्ड्स है, रोल नंबर, नेम, एज, सिटी एंड मार्क्स, राइट, रोहन, राधिका, पूजा एंड अर्जुन। सेम रिकॉर्ड आपके पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। पहले ओके, फर्स्ट जब आपका फर्स्ट राउंड हुआ है लूप का, तो उसमें आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आया है इन द फॉर्म ऑफ टपल, देन सेकेंड रिकॉर्ड, देन थर्ड रिकॉर्ड, लाइक दिस, राइट। तो अभी हमने क्या देखा, फैच ऑल मेथड देखा यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे, किसका, फेच मैनी का। ओके, नाउ तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, यूज़ ऑफ फेच मैनी मेथड। ओके, अब फैच मैनी क्या करता है, फैच मैनी के अंदर आप पैरामीटर पास करते हो, आई विल शो यू, देखो FETCH फैच मैनी फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो, n पैरामीटर पास करते हो, n पैरामीटर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब आप कितनी रोज फैच करना चाहते हो रिजल्ट सेट से, कितनी रोज आप निकालना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ, फैच मैनी विल रिटर्न the n number of rows from the result set। ठीक है, अब इसमें आपका जो fetch all था उसमें क्या था, पूरा जो भी data present था टेबल के अंदर वो पूरा एज इट इज़ आ गया, राइट। बट फेच मैनी में आप क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी रोज आपको चाहिए। ठीक है, एन नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट, और कैसे आएंगी रोज, इन द फॉर्म ऑफ टपल, राइट। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, ऊपर से पूरा, वैसे पूरा भी ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एज इट इज़ आएगा, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कंप्लीट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, राइट सी। अब यहाँ पे मैंने फेच ऑल किया था, राइट, ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है, फेच मैनी करना है इसकी जगह पे, और आपको बताना है कि आपको रिकॉर्ड्स की कितनी रोज चाहिए। मुझे रिकॉर्ड्स की 2 रोज चाहिए, लेट अस सपोज, राइट, मुझे फर्स्ट 2 रोज चाहिए, फाइन। तो क्या होगा, फेच मैनी क्या करेगा, फेच मैनी फंक्शन आपके रिकॉर्ड्स की 2 रोज को एक्सेस करेगा, राइट। इसको अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे,
देखो अब इसने क्या किया है, आपके रिजल्ट सेट की टू रोज को टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट इक्वल्स टू टू, और आपकी फर्स्ट टू जो आपके रोज हैं उनको एज अ टपल इसने क्या कर दिया है, फैच मैनी फंक्शन में शो कर दिया है। तो फैच मैनी फंक्शन का क्या यूज़ है, आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितनी रोज करनी है एक्सेस। ठीक है, फर्स्ट हमारा था फैच ऑल, सेकेंड हमारा है फैच मैनी, ओके, थर्ड आपका क्या है फैच वन, ओके। फैच वन में क्या है, आप वन बाय वन रिकॉर्ड को एक्सेस करोगे, एक बार में एक ही रिकॉर्ड एक्सेस होगा, ओके। तो हम यहाँ पे कमेंट अपना यूज़ कर लेते हैं, यूज ऑफ फैच वन, फैच वन मैथड, ओके। और इसका यूज क्या है, फैच वन का फैच वन मैथड या फैच वन फंक्शन क्या करता है, विल रिटर्न ओनली वन रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, फैच वन क्या करेगा, एक बार में एक ही रिकॉर्ड को फैच करेगा, फाइन, ओके। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, एज इट इज हमारा फंक्शन आ गया है, फाइन। अब देखो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे फैच ऑल की जगह मैं क्या कर दूंगी, फैच वन, फैच वन कर दिया, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपकी फर्स्ट रो क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब फर्स्ट रो फैच हो जाएगी, फैच होके कहाँ चली जाएगी, डेटा वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, राइट। कर्सर से फर्स्ट रो फैच होकर डेटा वेरिएबल में चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टपल, फाइन, ओके। अब आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव काउंट तक दे दिया, अब देखो यहाँ पे एक बार में एक रो ही फैच हो रही है, तो हमें लूप की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, लूप हटा दो, ओके, क्योंकि एक बार में एक ही रो क्या हो रही है, फैच हो रही है, ठीक है। आप सिंपल आप क्या कर दोगे, प्रिंट डेटा, ओके, क्योंकि डेटा के अंदर सिर्फ एक ही रो है, फाइन। अब देखो जब क्या होता है, जब वन रो फैच होती है तो उसके बाद कंट्रोल आपका कहाँ चला जाता है, और यू कैन से आपका पॉइंटर कहाँ चला जाता है, इट मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सेट, ठीक है। फर्स्ट रो आपकी एक्सेस हो गई तो आपका पॉइंटर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड के पास, स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड रिकॉर्ड चला जाएगा, राइट। तो अब जब सेकंड टाइम अगर इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपका क्या रिकॉर्ड, आपका क्या फैच होगा, आपकी सेकंड रो फैच होगी, फाइन। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, हमने प्रिंट डेटा कर दिया है, राइट, यहाँ पे लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं प्रिंट, और मैं यहाँ पे लूँगी स्लैश एन, जिससे लाइन ब्रेक आ जाए दो प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में, अगेन फैचिंग वन रिकॉर्ड, ठीक है, फिर से एक और रिकॉर्ड फैच करते हैं, ओके। देन सेम हमें स्टेटमेंट लेनी है यहाँ से, फैच वन टोटल नंबर ऑफ दिस एज इट इज, कंट्रोल सी एंड देयर कंट्रोल वी, ओके। डेटा आपने यहाँ पे फैच वन किया, तो अब आपका सेकंड रिकॉर्ड इस स्टेटमेंट में आपका सेकंड रिकॉर्ड फैच होगा, ओके, क्योंकि आपका पॉइंटर कहाँ चला गया था, फर्स्ट रिकॉर्ड फैच करने के बाद वो सेकंड रिकॉर्ड के पास चला गया था, ठीक है, पॉइंटर, ओके। तो अब आप इसको दोबारा से आप क्या करोगे, यूज़ फैच वन फंक्शन को, ओके, एंड प्रिंट कराओगे डेटा, तो आपकी सेकेंड रो प्रिंट हो जाएगी, फाइन। और अगर आप फिर से चाहते हो तो आप फिर से क्या कर सकते हो, अगेन कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल वी, तो इसमें क्या होगा, आपका थर्ड रिकॉर्ड फैच होगा, राइट, ओके। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस रन। अब देखो जब आपने फर्स्ट टाइम फैच वन को यूज किया, देखो यहां पर आपने फर्स्ट टाइम फैच वन को यूज किया, तो फैच वन फंक्शन ने क्या किया, फर्स्ट रिकॉर्ड को फैच करके, कर्सर से फर्स्ट रिकॉर्ड को फैच करके डेटा वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है। आपने क्या किया, रो काउंट की हेल्प से ये पता लगाया कि कितनी रोज को फैच किया है, तो देखो वन आ गया, वन आ गया आपका, वन
वन रो फेच हुई है, ठीक है, और आपने अपने डेटा को प्रिंट करा दिया, जो फर्स्ट रो थी आपने उसको प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट आपने क्या लिखा, अगेन फेचिंग वन रिकॉर्ड, फिर से आप एक रिकॉर्ड और फेच कर रहे हो, ओके। फिर आपने फेच वन फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पर, ओके, एंड उसको डेटा में स्टोर करा दिया, एंड देन आपने उसको प्रिंट करा दिया। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड, अब रिजल्ट सेट से कितने आप एक्सेस कर चुके हो, टू, ओके, ओके, आपने टू रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया, फेच कर लिया है, और आपका यहाँ पे टू किस लिए, क्योंकि एक बार आप पहले कर चुके हो, अब नाउ दिस इज सेकेंड टाइम, फाइन। अब आपका सेकेंड रिकॉर्ड क्या हो गया है, यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अगेन आपने वही किया, ओके, मैंने देखो थ्री टाइम्स यूज़ किया यहाँ पर, यहाँ पे फेच वन, देन हियर इट इज़ फेच वन, ओके, देन सेकेंड टाइम फेच वन, एंड देन थर्ड टाइम फेच वन, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे देखो अगेन फेचिंग वन रिकॉर्ड, तो आपका पॉइंट है कहाँ चला गया, थर्ड रिकॉर्ड के पास चला गया, ओके। तो आपका पॉइंट है क्या होता है, रिकॉर्ड वन रिकॉर्ड फेच करने के बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड के पास चला जाता है, और अगर आप दोबारा फेच वन को यूज़ करते हो तो सेकंड रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा, ओके, देन अगर आप दोबारा फिर से यूज़ करते हो थर्ड रिकॉर्ड को, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे इसने क्या किया, थर्ड रिकॉर्ड को एक्सेस कर लिया, फाइन। तो यहाँ पे हमने थ्री मेथड्स को देखा, फेच ऑल, फेच मैनी एंड फेच वन, जिसकी हेल्प से आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, ओके, फ्रॉम माई स्क्यूल टू पाइथन, ओके। नाउ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।